नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल्स गए में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का महिलाओं के जीवन में खास महत्व है। हालांकि ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती से संबंध रखता है। इस साल ये 11 अगस्त को मनाई जा रही है। वैसे तो पूरे सावन में ही प्रकृति की हरियाली छटा बिखरी रहती है, लेकिन महिलाएं इस दिन खास तौर से अपने श्रृंगार में हरे रंग को शामिल करती हैं और महिलाएं हरी चूड़ियां भी पहनती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर महिलाएं क्यों हरियाली तीज में हरे रंग का श्रृंगार करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हरे रंग से जुड़े वैज्ञानिक कारण की। हरे रंग को उर्वरा शक्ति का प्रतीक माना गया है। ये प्रजनन क्षमता का भी प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में मौसम के प्रभाव के कारण मनुष्य पर काम भाव हावी रहता है। सावन के महीने में लगातार बारिश होने के कारण वातावरण में नमी आने से कई तरह की बीमारियां भी फैलने लगती हैं। हरे रंग को स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। आयुर्वेद में इस रंग को कई तरह के रोगों के उपचार में कारगर माना गया है। ये भी एक कारण है कि सावन में हरे रंग को श्रृंगार में शामिल किया जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरे रंग को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। हरा रंग धारण करने से बुध प्रबल होता है और संतान सुख की कामना पूरी होती है। इससे बुद्धि और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं व्रत और पूजा के साथ साथ 16 श्रृंगार भी करती हैं। ये श्रृंगार वो अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन अगर महिलाएं हरे रंग की कांच की चूड़ियां पहनती हैं तो इससे उनके पतियों की उम्र लंबी होती है। वहीं आपको बता दें कि हरा रंग आंखों को राहत पहुंचाने वाला भी है। सावन के महीने में तो प्रकृति ही हरियाली की चादर लिपटी हुई होती है। ऐसे में सावन में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां वस्त्र धारण करती हैं। यही नहीं, हाथों में मेहंदी भी लगाती हैं। शास्त्रों में भी स्त्री को प्रकृति के समतुल्य माना गया है। प्रकृति की हरियाली की तरह महिलाओं से भी जीवन में उमंग और स्फूर्ति बनी रहती है। सावन माह के दौरान पड़ने वाले सभी तीज त्योहारों में हरे रंग का खासा महत्व है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।